क्या आप लोगों को पता है आईफोन में बैक साइड में भी बटन दिया जाता है जो काफी लोगों को पता नहीं होता है। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे वे बैक साइड बटन को ओपन करते हैं और कैसे ऑन करते हैं सेटिंग्स है। तो सिंपल सा आपको सेटिंग में चला जाना है। सेटिंग में जाके आपको सिंपल सा नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा एसेसिबिलिटी, आपको दिखेगा तो इस पर सिंपल सा आपको प्रेस कर देना है। जैसे उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एक टच का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे टच का ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, तो आपको नीचे सीधा स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा बैक टैप, यहाँ पे ऑफ है तो इसको ऑन करना पड़ेगा। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा बैक टैप पे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, डबल टैप और ट्रिपल टैप। तो आप डबल टैप करके क्या ओपन करना चाहते हैं या ट्रिपल टैप करके क्या ओपन करना चाहते हैं, इसमें आप क्लिक कीजिएगा तो आपको ऑप्शन ढेर सारा आएगा। आप क्या करना चाहते हैं, डबल टैप करके ओपन, सेक करना चाहते हैं, स्प्लिट करना चाहते हैं, वॉल्यूम अप करना चाहते हैं, मतलब यहाँ बहुत सारा ऑप्शन आएगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको डबल टैप करके क्या ऑप्शन। मैं यहाँ पर स्क्रीन शॉट पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं डबल टैप करूँगा तो यहाँ पर स्क्रीन शॉट मतलब लिवा जाएगा, देखिएगा आप लोग, मैं लेकर दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे डबल टैप करने से स्क्रीनशॉट ले चुका है। तो वैसे ही आप कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पर, तो हो चुका है ना बटन ये। तो अगर ऐसे ही वीडियो आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो लाता रहूँ।